बिल्कुल स्ट्रेट नाटक है, स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है, मॉडर्न स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट कहानी स्ट्रेट तरीके से कही गई है। मॉडर्न राइटिंग है तो थोड़ी डिफिकल्ट तो पड़ती है लोगों के लिए, थोड़ी मुश्किल पड़ती है। बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी का नाटक है। ऐसे नाटकों में आप कथा बता नहीं सकते, ऐसे नाटकों को सिर्फ देख के महसूस ही किया जा सकता है। इस बार बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के नाटक आए हैं, तो ये बधाई का पात्र है। एक 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 रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें, बट रिस्क फैक्टर लेने का समय भी आ गया है। कौल के लेखनी की अगर हम खासियत देखें तो सिर्फ इसी बात से होती है कि वो अकेला ऐसा प्ले राइट है, मॉडर्न प्ले राइट है, यंग प्ले राइट है, जिसके नाटक पूरे देश में अलग अलग जगह खेले जा रहे हैं और कोई नाटक अभी तक छपा नहीं है बाय द वे। और एक नाटक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग नाटकों, पीला स्कूटर हो चुका है, इलाहाम हो चुका है, शक्कर हो चुका है अंग्रेजी में, शक्कर हो चुका है मराठी में, शक्कर हो चुका है गुजराती में, पीला स्कूटर गुजराती में हो चुका है, इलाहाम बंगाली में। तो उससे आपको पता चलता है कि असल में जो राइटिंग है उसका अपना एक असर है। पीले स्कूटर वाला आदमी उनका दूसरा नाटक था शक्कर के बाद, और तो अद्भुत स्ट्रक्चर है ये, अद्भुत राइटिंग है। लेकिन हम ये मैं कहूँ कि लखनऊ के ऑडियंस के लिए वी हैव बीन कमिंग फॉर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-7 साल से आ ही रहे हैं, जब से फेस्टिवल चालू हुआ तब से आ रहे हैं लगातार, और हम इंतज़ार करते हैं आना। ये अपने आप में हमारे लिए सम्मान है।